नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं तानाजी वर्सेस सिम्बा डे 27 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन दोनों फिल्मों की 27वें दिन की कमाई, और साथ ही साथ बताएंगे 27वें दिन इन दोनों में से कौन सी फिल्म ने की ज्यादा कमाई, कौन सी फिल्म ने मारी बाजी। मगर दोस्तों उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी सभी जानकारियां मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं, पहले बात करते हैं सिम्बा फिल्म की। दोस्तों सिम्बा एक एक्शन फिल्म है जिसका डायरेक्शन किया था रोहित शेट्टी ने और इसे प्रोड्यूस किया था करण जोहर, हिरुएस जोहर, रोहित शेट्टी, अपूर्वा मेहता ने, और इसकी स्टार कास्ट में मुख्य किरदारों में नजर आए थे रणवीर सिंह, सारा अली खान, आशुतोष राणा जी और भी कई सारे एक्टर्स। और दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों के बहुत ही अच्छे रिव्यूज मिले थे और ऑडियंस का बहुत ही धमाकेदार रिस्पॉन्स मिला था। और दोस्तों इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार कमाई की थी और शानदार कमाई के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। जी हाँ दोस्तों, ब्लॉकबस्टर। और दोस्तों इस फिल्म का बजट था लगभग 90 करोड़ रुपए और इसे रिलीज किया गया था वर्ल्ड वाइड लगभग 4983 स्क्रीन पर। दोस्तों पब्लिक ने सिम्बा के रूप में रणवीर सिंह को बहुत पसंद किया था, बहुत प्यार किया था और इसे बहुत तारीफें मिली थी। और अगर बात करें इसके 27वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आपको बता दें इसने अपने 27वें दिन इंडिया नेट पर कमाए थे लगभग 63 लाख रुपए। जी दोस्तों 27वें दिन इंडिया नेट पर लगभग 63 लाख रुपए। और आइए अब बात करते हैं तानाजी फिल्म की। दोस्तों तानाजी एक बायोग्राफिकल पीरियड एक्शन फिल्म है जो कि आधारित है तानाजी मालुसरे जी के जीवन पर, जो कि मराठा सेना के वीर योद्धा थे। इस फिल्म का डायरेक्शन किया है ओम राउत ने, इसे लिखा है प्रकाश कपाड़िया ने, इसे प्रोड्यूस किया है अजय देवगन, भूषण कुमार, किशन कुमार ने। इसके स्टार कास्ट में मुख्य किरदारों में नजर आए है सुपरस्टार अजय देवगन, सैफ अली खान, काजोल, शरद केलकर और भी कई सारे एक्टर्स। और दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों के बहुत ही शानदार रिव्यूज मिले और ऑडियंस का बहुत ही धमाकेदार रिस्पांस मिल रहा है। और दोस्तों इसे दो भाषाओं में रिलीज किया गया है, हिंदी और मराठी, और इसे रिलीज किया गया था वर्ल्ड वाइड टोटल 4540 स्क्रीन पर। और दोस्तों आपको बता दें कि तानाजी फिल्म ने बहुत ही धमाकेदार कमाई की है। और अगर बात करें इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों आपको बता दें इसने अपने 26वें दिन इंडिया नेट पर कमाए लगभग 2,32,00,000 रुपए और ये अपने 27वें दिन यानी कि आज इंडिया नेट पर कमा सकती है लगभग 2 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों 27वें दिन यानी कि आज इंडिया नेट पर लगभग 2 करोड़ रुपए। और अगर बात करें 27वें दिन इन दोनों में से कौन सी फिल्म ने की ज्यादा कमाई, कौन सी फिल्म ने मारी बाजी, तो दोस्तों आपको बता दें कि तानाजी फिल्म ने की ज्यादा कमाई, तानाजी फिल्म ने मारी बाजी। दोस्तों अगर आपने दोनों फिल्में देखी है तो आपको इन दोनों में से कौन सी फिल्म ज्यादा अच्छी लगी, आपको किसका काम सबसे ज्यादा अच्छा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर करें।